वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता मर्डर केस में आज क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। झारखंड पुलिस ने आरोपी शाहरुख और नईम को रिमांड पर ले लिया है। 72 घंटे की रिमांड में लिए गए हैं दोनों आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड पुलिस ने आरोपी शाहरुख और नईम को रिमांड पर ले लिया है। 72 घंटे की रिमांड में लिए गए हैं और आज पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहरुख और नईम 72 घंटे के रिमांड पर लिए गए हैं, जबकि आज पुलिस मौके पर पहुंचेगी, क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। विशाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या जानकारी? जी देखिए, पुलिस की तहकीकात लगातार जारी है। जिस तरह से दुमका में अंकिता के साथ हुआ और उसे पेट्रोल छिड़क कर मार दिया गया, उसको लेकर अब आगे पुलिस की कोशिश है कि जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, शाहरुख और उसका दूसरा जो साथी है नईम छोटू, उन दोनों से पूछताछ की जाए और उसे जो तमाम जानकारियां हैं वो ली जाए। पुलिस के मुताबिक कई जानकारी अब तक पुलिस को हासिल हो चुकी है और उसी के अनुसार, उसी के आधार पर आज उन दोनों आरोपियों को भी ऐसी संभावना है कि उस स्पॉट पे वापस ले जाया जाएगा और सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सुबह तड़के सुबह 4 बजे एक आरोपी आता है शाहरुख और जो लड़की घर में सो रही है उसको किस तरह से खिड़की के रास्ते वो पेट्रोल डालता है और उसको आग जलाकर आग लगा देता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो पूरे टीम को क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस चाहती है कि जो उसकी तहकीकात हो वो पुख्ता हो, उसके बाद पास इतने सबूत हो कि जब वो कोर्ट में एविडेंस पेश करे तो कोर्ट उसे माने। मैं एक जानकारी और भी दे दूं कि 7 तारीख को, पुलिस सूत्रों का कहना है कि 7 सितंबर को ही पुलिस कोर्ट में अपना चार्जशीट दाखिल कर देगी। तो पुलिस के पास 7 दिनों का समय है और पुलिस चाहती है कि सारे सबूत इकट्ठा कर लिए जाए। बिल्कुल, और इसी वजह से पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 7 सितंबर को चार्जशीट भी पुलिस दाखिल करेगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।